आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं टेली नाइन के अंदर सेल्स के बारे में कि किस तरह से हम टेली नाइन के अंदर सेल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम हमारा कंपनी सेलेक्ट करते हैं। कंपनी सेलेक्ट कर लिया, हम आ गए गेटवे ऑफ टेली पर। तो आइए इसमें हम सेल्स के बारे में आज पढ़ते हैं, सेल्स किस तरह से हम टेली के अंदर सेल्स करते हैं। तो आइए सबसे पहले हमें आना है अकाउंटिंग वाउचर पे। अकाउंटिंग वाउचर पे हम एंटर करते हैं और इसके लिए हम सेल्स का वाउचर को शो कराने के लिए हम प्रेस करना होता है F8। तो आइए F8 करने से आपका सेल्स का लेजर खुल जाएगा। तो हमें किस तरह से इसमें सेल करनी है उसके बारे में आज हम समझते हैं। मान लो हमने हमारा यहाँ पे सेल का जो रेफरेंस नंबर है वो डाल दिया, आपका रेफरेंस नंबर है मान लो जैसे 135, वो आप यहाँ पे डाल देते हो। नेक्स्ट उसी तरह आपको यहाँ पे भी उसी तरह डेट चेंज कराना है आप किस डेट में सेल कर रहे हो। मान लो हम डेट डाल देते हैं यहाँ पे 15/6/16, 15/6/16, तो ये हमारा डेट सेट हो गया। अब पार्टी अकाउंट नेम, मतलब उस पार्टी के अकाउंट का नेम जिसको हम सेल कर रहे हैं। अगर हम किसी फिक्स पार्टी को जो कंटिन्यू सेल करते रहते हैं तो उसके हमारे टेली के अंदर लेजर क्रिएटेड रखते हैं, तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे जिसको, जैसे मान लो हम सेल कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे शुभम कंप्यूटर को कुछ माल सेल करना, तो हम यहाँ पे शुभम कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेंगे। या किसी अनदर पार्टी को हमें मेटेरियल सेल करना है अगर उधार में, तो हम उस पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें कैश में सेल करना है तो हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पे कैश में सेल करना है तो हम यहाँ पे कैश को सेलेक्ट करते हैं। कैश को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्पैच डिटेल। अगर डिस्पैच डिटेल में आप डिलीवरी नोट है, जैसे डिस्पैच DOC नंबर है, डिस्पैच फ्लोट है, डिस्टेंस है, वो आप डाल सकते हो। ये है हमारा ऑर्डर नंबर के लिए, इसमें आप ऑर्डर नंबर शो करा सकते हैं। मॉडल टर्म्स ऑफ पेमेंट, मतलब आप उस पार्टी से पेमेंट किस टर्म्स में लोगों, मतलब किस्त में या AMC में या मतलब फाइनेंशियली कोई क्या किस टाइप से आप उससे पेमेंट रिसीव करेंगे, वो रेफरेंस आप यहाँ पे शो करा सकते हो। इसके बारे में हमें ज़्यादा समझ नहीं है क्योंकि ये हमारे बहुत ही कम यूज आते हैं, इतना डीपली कोई यूज करता नहीं है, बट करने वाले करते भी हैं। तो यहाँ पे आता है बायर। बायर में हम मान लो कैश सेल कर रहे हैं, बट हमें उस पार्टी का नाम भी शो कराना है कि हमें किसको सेल किया है। मान लो हमने कैश सेल किया है राकेश को, तो हम यहाँ पे राकेश डाल सकते हैं, राकेश। एड्रेस में जहाँ का राकेश यादव है वहाँ पे हम डाल देंगे लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ डाल दिए। यहाँ पे जो भी आपका शॉप का सेल टैक्स नंबर है वो आप यहाँ पे शो करा सकते हो। यहाँ पे आपको सेल टैक्स नंबर डालना है और यहाँ पे लेजर हमें सेलेक्ट किया करना है सेल का, सेल्स का लेजर सेलेक्ट कर लिया। अब हम सेल कराते हैं हमारे आइटम। मान लो हमें सेल करना है मदरबोर्ड, तो हम मदरबोर्ड के आइटम पर एंटर करेंगे। इसमें डिस्क्रिप्शन, हम कौन सा मदरबोर्ड सेल कर रहे हैं। मान लो हम मदरबोर्ड सेल कर रहे हैं एसरो का H61, तो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया। उसके बाद हम मदरबोर्ड का सीरियल नंबर, जो भी सीरियल नंबर है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद मॉडल नंबर, जो भी उसका मॉडल है वो हम यहाँ पे शो करा सकते हैं, जैसे भी उसका मॉडल नंबर है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं। मान लो हमने एक पीस भेजा तो हम यहाँ पे एक डाल देंगे। क्या रेट हमने अप्लाई किया, मान लो हमने एक पीस 6000 में भेजा तो हम यहाँ पे 6000 डालेंगे। नेक्स्ट पीस इसी तरह हमारा आता है, जैसे कि मान लें हम सेल कर रहे हैं रैम और मेमोरी। रैम हमारा स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो दूसरा पीस हम ले लेते हैं रैम के अलावा K7 एंटीवायरस। हमें K7 एंटीवायरस सेल करना, तो इसमें हम एंटीवायरस का डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। मान लो हमारा K7 है सिंगल यूजर, वन यूजर का हमारा एंटीवायरस है।
डाल सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, कितने पीस हमने सेल किए, मान लो हमने 5 पीस सेल किए, तो हम यहाँ पे क्वान्टिटी डाल देंगे 5 पीस। क्या रेट अप्लाई किए हमने, मान लो हमने 300 रुपये पर पीस के हिसाब से किसी को पीस सेल किए, तो इस तरह से हम नेक्स्ट मेटेरियल वो हमसे खरीदता है, मान लो डीवीडी राइटर, तो डीवीडी राइटर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आइटम में। डीवीडी राइटर को सेलेक्ट किया, यहाँ पे डीवीडी राइटर रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लो हम डीवीडी राइटर सेल कर रहे हैं सैमसंग का, तो यहाँ पे हम सैमसंग जो भी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लो वो बाटा का राइटर है, टाटा कोड यहाँ पे डाल दिया, अगर टाटा है तो यहाँ पे आप टाटा कोड डाल देंगे। उसके बाद हम क्या सेट करते हैं, क्वांटिटी, मान लो हमने 2 पीस सेल किया, तो क्वांटिटी में हम क्या ले लेंगे, 2 पीस। क्या प्राइस में सेल किया, मान लो हमने 1000 रुपये में सेल किया, तो हम यहाँ पे प्राइस डाल देंगे 1000, 2 पीस का 2000 रुपये, इस तरह से। अगर फिर हमको मान लो किसी पार्टी को वेट अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें जो रेट के जो नीचे वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे आके स्पेस दबाना है, तो इसके अंदर हमें शो कर रहा है वेट, तो वेट सेल करते हैं तो हमारा कौन सा वेट लगता है, आउटपुट वेट, और परचेज करते हैं तो हमारा कौन सा वेट लगता है, इनपुट वेट। अगर आपके पास सेल टैक्स नंबर अवेलेबल है तो आप वेट अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे वेट सेलेक्ट कर लिया, कितना वेट आप पार्टी पे चार्ज कर रहे हो तो वो परसेंट आप यहाँ पे डाल दो। मान लो हमारा कंप्यूटर के अंदर 5% वेट चलता है, तो हमने यहाँ पे 5 दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारा रेट सेट हो जाएगा 6000 के अकॉर्डिंग, हमारा वेट 5% कितना होगा, 300 रुपये। इस तरह से हम टेली के अंदर एंट्री, सेल्स की एंट्री करते हैं, और इसको अब हम करा देते हैं सेट। तो आइए इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमें सबसे पहले डिस्प्ले में आना पड़ेगा, डिस्प्ले के ऊपर एंटर करेंगे, डिस्प्ले के अंदर आपको आना होगा डे बुक में। डे बुक के अंदर हमें क्या देखना है, किस डेट का देखना है, उसके लिए हमें F2 प्रेस करना होगा। F2 प्रेस करने के लिए हमारे पास चेंज डेट का एक ऑप्शन आएगा, उसमें हम जिस डेट का सेल देखना चाहते हैं वो हम वहाँ पे शो करा सकते हैं। जैसे मान लो हमें चेक करना है 15/6/2016 का, वो हम इस तरह से देखो, ये हमारा 15/6/16 को जो हमने सेल किया था वो डे बुक हमारी आ गई। तो इसके अंदर हमें मेटेरियल शो करने हैं, हमने क्या क्या परचेज किया वो भी हम देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने 15/6 को परचेज किया था, वो हम देख रहे हैं, मदरबोर्ड है 1 पीस, एक्सपर्ट स्काई है, ओके 7 एंटीवायरस है 5 पीस, और दूसरा हमारा नेक्स्ट है वो है डीवीडी राइटर 2 पीस। तो इस तरह से हम टेली के अंदर परचेज की एंट्री चढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने जाएंगे।